রেডিও পাকিস্তান সে বতর চাইল্ড স্টার অ্যাক্টর আপনা ক্যারিয়ার শুরু করতে ওয়ালি মায়া খান কই সালো তক শোবিজ কি দুনিয়া সে দূর কিউ রহি ইস ভিডিও মে আখির তক জুড়ে রহে হাম আপকো বাতাতে হ্যায় মাজি মে মায়া খান রেডিও পাকিস্তান কি পিটিভি মে কাম কিয়া ইসকে বাদ ও মুখতালিফ নিজি চ্যানেল সে মুখতালিফ শোজ মে কাম করতে রহি জেসে হি মর্নিং শোজ কা রুঝান হুয়া হামনে বহুত বড়ে নাম দেখে জো ইস ইন্ডাস্ট্রি মে সবসে আগে নিকলে আর মায়া খান উনমে সে এক হ্যায় इसने मॉर्निंग शोज शादियों के साथ साथ रमजान ट्रांसमिशन भी की है। माया खान अपने करियर में जो कि बाद दीगरे बड़े तनाज़ात का शिकार भी हुई, लेकिन अचानक हमने उन्हें काफी वक्त तक मुकम्मल तौर पर ऑफ स्क्रीन देखा। अब वो फिर एक्शन में नजर आ रही हैं। लोग वाज़े तौर पर सोच रहे थे कि माया खान कहाँ चली गई, और फिर वो एक बड़े जिस्मानी तब्दीली के साथ वापस आई और एक न्यूज चैनल पर मॉर्निंग शोज करने लगी। जी सरकार पर एक मेहमान के तौर पर माया खान ने इंकशाफ किया कि वो कैंसर से अपने भाई को खोने, एक बहुत बुरी तलाक और एक फिर बड़े तनाजे से गुजरने के साथ जिंदगी में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के बाद दस्तबरदार होना चाहती थी, जिसमें उनका करियर भी शामिल था, इसलिए वो हमारी स्क्रीन से गायब हो गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए माया खान का कहना था कि जब जमीन तक जा गिरे तो उन्होंने एक बार फिर मजबूत हुए और खुशी से जिंदगी गुजारने का फैसला किया। उन्होंने अपने वजन में तब्दीली के बारे में भी बात की और कहा कि अपना वजन कम करना पड़ा क्योंकि कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था, इसलिए अपना वजन कम किया और अब इंडस्ट्री में वापस आ गई हैं।